दोस्तों बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म मैदान का दूसरा ट्रेलर देखने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि साल 2024 पूरी तरह से बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के नाम रहने वाला है। जहां दोस्तों शैतान बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी सुपरहिट चल रही है, अभी भी सिनेमाघरों में कमाई कर रही है, लेकिन मैदान रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर। और दोस्तों साथ ही साथ फिल्म का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, लेकिन दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई ये एक शानदार ट्रेलर है और मैं समझता हूं कि सिर्फ ट्रेलर ही नहीं, ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो फिल्म आनी बाकी है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट होने वाली है। दोस्तों फिल्म की एडवांस बुकिंग को भी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में एडवांस बुकिंग अपडेट के बारे में हम बात करेंगे कि इंडिया और ओवरसीज से अभी तक फिल्म ने कितनी एडवांस बुकिंग कर ली है अजय देवगन की फिल्म मैदान ने। और वहीं फिल्म का ट्रेलर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, भाई ये शानदार है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है। तो चलिए दोस्तों आप बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म मैदान की तो मैं जितनी तारीफें करूं इस फिल्म की कम है, क्योंकि वाकई ये एक बहुत शानदार फिल्म होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि एक हिंदी लैंग्वेज की बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। हालांकि इससे पहले भी मैदान को कई बार रिलीज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ कमियों के कारण फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था। एक सही वक्त का इंतजार था और अब सही वक्त पूरी तरह से तैयार है। 10 अप्रैल को ईद के खास मौके पर यह फिल्म रिलीज होनी है और सामने सबसे बड़ा चैलेंज है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का। लेकिन दोस्तों चैलेंज भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मैंने आपसे पहले ही कहा है जो फिल्म अच्छी होती है बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ वही चलती है। अगर बड़े मियां छोटे मियां भी अच्छी फिल्म हुई और मैदान भी अच्छी हुई तो दोस्तों दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहेंगी। लेकिन मैदान के लिए तो मैं गारंटी लेता हूं कि भाई साहब ये फिल्म रुकने वाली है नहीं, किसी का बाप इस फिल्म को नहीं रोक सकता है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सुपरहिट होने वाली है। आपको बताता चलूं मैं कि अमित शर्मा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है, जिसको प्रोड्यूस किया है जी स्टूडियोस, बोनी कपूर, अरुणवा जॉय संगुप्ता ने और आकाश चावला ने। फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ प्रिया मणि अहम किरदार में नजर आ रही है और फिल्म का जो म्यूजिक है वो आर रहमान का है। दोस्तों अगर फिल्म के मैं बजट की बात करूं तो ऑफिशियल बजट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए से भी कम के बजट में ये फिल्म बनी है। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल बजट सामने आता है तो तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग की। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लिमिटेड जगहों पर फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की गई थी ओवरसीज में और इंडिया में। हालांकि अभी तक पूरी तरह से कहीं पर भी फुल्ली फाइनली एडवांस बुकिंग नहीं शुरू की गई है, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने एक अनाउंसमेंट ये भी की थी कि 2 अप्रैल से यानी कि आज फिल्म मैदान की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। तो अभी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर के बाद या शाम तक फिल्म मैदान की एडवांस बुकिंग पूरी तरह से शुरू हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लिमिटेड जगहों पर भी बहुत शानदार रिस्पांस फिल्म मैदान को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यह फिल्म एक बड़ी ओपनिंग लेने वाली है, क्योंकि फिल्म ने अभी तक ओवरसीज का और इंडिया का मिला के कुछ लिमिटेड जगहों पर 80 लाख रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली। और मैं हैरान हूं कि अभी तक तो फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू नहीं हुई है। भाई सामने सबसे बड़ा चैलेंज है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का, लेकिन फिर भी बावजूद इसके मैदान को इतना शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों बस अब आप ये देखना बाकी है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक बड़ी ओपनिंग लेने के साथ साथ अपने वीकेंड पर भी बहुत शानदार कलेक्शन करेगी और अपने लाइफ टाइम में यह फिल्म एक बार फिर से इतिहास रचेगी। जिस तरह से शैतान बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई है उससे भी बड़ी सुपरहिट होगी अजय देवगन की फिल्म मैदान। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या बड़े मियां छोटे मियां के सामने मैदान सिनेमाघरों में चलेगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।